जम्मू में रोहिंग्या को आश्रय देने वाले मददगारों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए आज एक बड़े अभियान को शुरू किया है। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में कई जगहों पर छापे मारकर जम्मू में रोहिंग्या को आश्रय देने वाले मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आज की कार्रवाई जम्मू के 7 पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गई FIR के आधार पर की गई है, जिसमें रोहिंग्या को जम्मू में आश्रय प्रदान करने और सरकारी लाभ दिलाने के मददगार रहे लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार मजिस्ट्रेटों की मौजूदगी में जम्मू जिले के विभिन्न स्थानों पर जहां गैर नागरिकों को ठहराया जाता है और सुविधा देने वालों के आवासीय स्थानों पर भी तलाशी ली गई है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से हासिल किए गए भारतीय दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को भी जब्त किया है। अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं, तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। तो सर क्या है मल्टीपल लोकेशंस पर रेड चल रही है? ऑफ कोर्स। तो सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी बीच में आया था हमारे, इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहाँ पर। कल भी सर किस वार्ड में 6 लोग अरेस्ट हुए, उसके बाद फिलहाल हम अपने केस में जो अभी लगे हुए हैं इसकी जब कोई डिटेल आएंगे तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?